Hello dear students, today we'll deal with long answer type questions in trigonometry chapter. Here in these questions what you have to do is that they will give you both the sides, left hand side also and right hand side also, and we have to prove that LHS is equal to RHS. So as I have taught you in our previous videos also, whenever such type of sums are given, what we have to do is that we have to use the LHS part, we have to simplify that LHS part, and then we have to prove that LHS is equal to RHS. So let's start with it. We'll start with the solution, and as I told you that we'll take the LHS part. This is your given sum, cosec theta minus cos theta, here whole square is used, is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. यहाँ पे आपको LHS पार्ट भी गिवन है, RHS पार्ट भी गिवन है, और आपको इसे एक आइडेंटिटी की तरह प्रूफ करना है. आपको LHS को RHS की इक्वल प्रूफ करना है. सो जैसे मैंने आपको बताया, हम LHS की हेल्प लेंगे. सो जस्ट कॉपी योर LHS हियर, दैट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो ऑपोजिट वाले फॉर्मूले थे जो हमने डिग्री टेबल के ड्यूरेशन में यूज किए थे, उन्हें हम रिमेम्बर करेंगे और यहाँ पर उन्हें प्लेस करने वाले हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल है, बिकॉज कोसेक एंड साइन दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा की जगह पर प्लेस करने वाले हैं साइन थीटा, राइट. एंड कॉट थीटा की वैल्यू या कॉट थीटा का फॉर्मूला हमें अगर पता करना है तो वो 10 के ऑपोजिट होगा, और मैंने आपको 10 का फॉर्मूला बताया था जब हम डिग्री टेबल बना रहे थे तब, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो अगर मुझे कॉट थीटा का फॉर्मूला बनाना है विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ 10 थीटा, तो यहाँ पे जो 10 थीटा का फॉर्मूला है उसका हम रेसिप्रोकल यूज करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे. न्यूमरेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर आ जाएगा, हियर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो योर डिनोमिनेटर इज कॉस थीटा, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर इज साइन थीटा, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. इस तरीके से 10 थीटा का जो फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हमने कॉट थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, और उसे मैंने यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू पर प्लेस कर दिया. And now whole square is also given to you, जो हमने वापस से प्लेस किया. In our next step, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम LCM लेने वाले हैं. First ratio के denominator में भी sin theta है, second ratio के denominator में भी sin theta है, तो sin theta को मैं as a LCM यूज करूंगी, और दोनों ही ratios के नीचे sin theta है तो cross multiply इस केस में नहीं होगा. ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर की जगह ले लेगा, होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली हूं. मतलब ये जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर, अभी n बाय डी होल स्क्वायर है, उसको मैं न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर बनाने वाली हूँ. न्यूमरेटर को सेपरेटली स्क्वेयरिंग कर दूंगी, डिनोमिनेटर को सेपरेटली स्क्वेयरिंग कर दूंगी. तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज आर इंडिविजुअल डिनोमिनेटर. नाउ मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है क्योंकि दोनों पे ही स्क्वायर प्लेस था, और साइन को उसका स्क्वायर दे दिया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू इज दैट, लेट्स रफ दिस वन, ये रफ वर्क है हमारा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसी स्टेप को मैं फॉरवर्ड करने वाली हूं, और इसे मैं यहां इस तरीके से लिख दूंगी. न्यूमरेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर में मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा. हमें एक आइडेंटिटी नोन है, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, इट इज इक्वल टू 1. तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से जब मुझे साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं वो फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि इक्वल हो जाएगी 1. ये जो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है वो वहां माइनस में चला जाएगा,
और इस तरीके से मुझे आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं यहां प्लेस कर देती हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इस स्टेप में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। स्टूडेंट्स कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्वायरिंग पार्ट में। न्यूमरेटर को जब हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रैकेट का यूज हुआ है और 1 और cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा एक कंप्लीट टर्म है और इस पर होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। पर अगर हम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 इज फ्री, ओनली cos के ऊपर स्क्वायर यूज हुआ है। तो इन दोनों स्टेप्स के जो सिंप्लीफिकेशन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। यहां पे मैं क्या करूंगी, इस पे होल स्क्वायर है, कोई भी क्वांटिटी पे अगर होल स्क्वायर होगा तो हम उसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा और उसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिख लिया है, राइट। अब मैं जब डिनोमिनेटर को देखती हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट मीन्स यहाँ पर ए का रोल प्ले कर रहा है 1 और बी का रोल प्ले कर रहा है कॉस। यहाँ पर फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 पे तो आप स्क्वायर प्लेस करें, 100 प्लेस करें, 1000 प्लेस करें, इट्स योर विश। तो हमने इससे एक फॉर्मूला बना लिया, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का जो रोल है वो ए प्ले कर लेगा, कॉस का जो रोल है वो बी प्ले कर लेगा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम बना सकते हैं जो कि है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जब इस स्टेप को मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर मैं इस स्टेप का सिंप्लीफिकेशन देखूं तो ये हो सकता है, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को यहां पे प्लेस कर देती हूं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे ये और ये, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है और 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो आरएचएस का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे मिल गया वो ये मिल गया। अब इससे ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सिंपल 1 आ गया है और कॉस थीटा आ गया है, तो 1 का भी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा और कॉस थीटा का भी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा। नाउ इट्स टाइम जब हम इसको वापस से ऑब्जर्व करें हमारे टीपीटी को, टू प्रूव दैट को। टू प्रूव दैट में दिया था कि एलएचएस आरएचएस हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब अगर मैं देखूं तो मेरा जो एलएचएस का सिंप्लीफाइड फॉर्म आया है वो ये आया है, तो मैं इसको एलएचएस पार्ट पे प्लेस कर देती हूँ, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और जो गिवन आरएचएस का सिंप्लीफाइड फॉर्म था वो क्या दिया है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो आप अगर लास्ट स्टेप को ऑब्जर्व करेंगे सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म को, तो हमारा आ चुका है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो हियर इट्स आवर फाइनल आंसर, हेंस रूट। हमने लास्ट स्टेप कर लिया है जिसमें दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं।